दोस्तों आज अपने किंगडम का वन ऑफ दी सैडेस्ट डे है, क्योंकि क्या हो गया, मैं आते ही मुझे पता चल गया है कि अपनी चुटकी थी जिसको मैंने एज अ आर्चर असाइन किया था उसको मार दिया है एक एंडरमैन ने भाई, क्योंकि वो दूसरों की जान बचा रही थी। और वो देखो यहाँ पे उसकी ग्रेव है भाई, बेचारी मर गई। एक मिनट, उसके पास एक बो था यार, चुटकी का बो। ये नो वे, आई एम कीपिंग दिस मैन। हम लोग चुटकी का बो अपने पास रखने वाले, एंड चुटकी के लिए हम लोग दो चीजें करेंगे भाई। एक तो उसकी एक समाधि बना दी जाए, यही पे बनाएंगे हम लोग समाधि चुटकी के लिए भाई। यार बहुत गलत हुआ भाई, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है चुटकी के साथ। उसकी एक यहाँ पे समाधि बना दी जाएगी, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा मार्क करता हूँ ताकि भूल ना जाऊं मैं, ठीक है। यहाँ पे चुटकी की समाधि आएगी, एंड चुटकी का जो बो है दोस्तों इसको भी हम लोग रीनेम कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये चुटकी का बो है। चुटकी, ये देखो ये चुटकी का बो है। हम लोग इसे अभी तो अपने चेस्ट में रख देंगे, बट बाद में जब समाधि बनेगी इसकी तब हम लोग कुछ करेंगे यहाँ पे अच्छा खासा चुटकी के लिए। और साथ ही में गाइस, चुटकी के स्मरण में, मतलब आई थिंक वैसे रहता है, इन द मेमोरी ऑफ चुटकी, हम लोग अपने किंगडम का नाम चेंज करने वाले। चुटकी किंगडम नहीं, लेकिन देखो क्या रखेंगे हम लोग इसका नाम। हम लोग रखने वाले, अभी क्या नाम चेंज होता है, हम लोग रखने वाले इसका नाम ढोलक। ये अपना किंगडम का नाम चेंज हो गया ढोलकपुर, फाइनली चुटकी के स्मरण में। ये सब तो बनता है भाई, ये टूटता है क्या? अरे ये गायब हो जाता है भाई थोड़े टाइम बाद। बट यहाँ पे बनने वाली चुटकी की एक समाधि मस्त से हम लोग बनाएंगे। ये क्या पीपर है ये, ठीक है अभी के लिए यहाँ पे लगा देते ताकि मुझे एग्जैक्टली याद रहे कहाँ पे चुटकी की समाधि थी। ये लो भाई, अभी के लिए यहाँ पे होगी चुटकी की समाधि भाई। ओह नो, बेचारी चुटकी यार बहुत अच्छी थी दोस्तों, इतने कम उम्र में उसको जाने की जरूरत नहीं थी, क्यों गई किसी को आइडिया नहीं। बट एंडरमैन से क्यों पंगा ले रही थी यार, इतनी क्या जरूरत पड़ गई, मैंने नहीं बोला था उसको पंगा लेने। छोड़ो कोई बात नहीं यार, अभी क्या ही करेंगे। ये लो भाई, यहाँ पे कुछ चीजें मैं रख देता हूँ। बस बाय द वे 16 एमरल्ड्स है, लास्ट टाइम हम लोगों ने लिए थे इतने एमरल्ड्स भाई, काफी दिनों बाद आया हूँ मैं इधर अपने किंगडम में। और आते ही क्या देखने मिल गया दोस्तों, ये एलिस, ये कौन है? Okay. नई बंदी लग रही है, ये क्या ऐसे ही प्रकट हो गई क्या? पता नहीं ये लीसा, ये कौन है? अच्छा इसको रिक्रूट करने के लिए अपने को 72 बिट प्रोटेक्टर चाहिए। इसका स्टैट्स क्या है भाई? स्टैमिना अच्छा, आई थिंक महना क्या चीज है मुझे पता नहीं। क्रिएटिविटी नॉलेज बहुत अच्छा है लीसा का, मुझे हायर करने काफी सारे लोग, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ आज तो हम लोगों ने लिटरली अपना किंगडम एक्सपांड किया है। इसको एक्सपांड करके मैंने ना यहाँ पे थोड़ा बहुत ये रहता ना अपना क्या बोलते हैं विलेज वगैरह, विलेज सॉरी घर वगैरह रहने के लिए, तो वो थोड़े बहुत घर मैंने एक्स्ट्रा बना दिए, कुछ कुछ बहुत एच पे बने। यार आई होप कि लोग यहाँ पे आके गिरे नहीं बैठे। इसको क्लोज ही कर देते हैं अभी के लिए, कोई आके अंदर दफन हो गया ना वाट लग जाएगी अपनी भाई। चुटकी के साथ इतना बुरा हुआ है, किसी के साथ ना हो, इसलिए हम लोग इसको बंद कर देते भाई। तो ये कोरस टर्ट तो नहीं आ रही यार, इसको क्यों दिया मैंने? कोरस टर्ट अपने बिल्डिंग के काम आती है। अबे ये क्या क्या गड्ढे बने यार यहाँ पे, पता ही नहीं दोस्तों। और बाय द वे कुछ कुछ बिल्डिंग्स मैंने अपग्रेड करने को डाले, ये आई थिंक इसको मैंने पप्पू को दे दिया था अपग्रेड करने के लिए। चेकआउट करते, ये पप्पू ही बिल्डर है अपना। पप्पू काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया भाई? पप्पू कहाँ गया? राइट, पप्पू को देखते, पप्पू की आई थिंक यहाँ पे ये बिल्डिंग की हट। यस, ये पप्पू की बिल्डर्स हट है। ये देखो यहाँ पे पप्पू काम करता है, बट पप्पू काम के जगह पे नहीं है। काम आ गया, ये देखो आ गया पप्पू। ए काम गया तुझे, इसको गार्ड टॉर्च चाहिए। ओके प्लीज रिमाइंड मी लेटर पप्पू, भाई तू काम करना बाद में देखते हम लोग। अच्छा ये घर पे जा रहे सब लोग, अभी घर पे चल। ये कौन है बे? मुकेश, क्या हो गया मुकेश? आई हैव इन्फ्लुएंस एंड नीड टू बी क्योर्ड विद कैरेट प्लस पोटैटो, प्लीज बिल्ड अ हॉस्पिटल और गिव मी द। भाई इसको भाई ये हो गया इन्फ्लुएंसा, मतलब कि एक ये होता है भाई वो लाइक वायरस टाइप हो गया। एक मिनट, पंटी को क्या हुआ है? आई नीड हो विद मिनिमल लेवल एंड अच्छा इसको हो चाहिए। ठीक है आई विल वर्क ऑन इट, ठीक है भाई देता हूँ। बट इसको मुकेश को इन्फ्लुएंस आ गया भाई, उसका कुछ करना पड़ेगा मुझे। आई थिंक कैरेट एंड पोटैटो हो गया मेरे पास। ओके एक पोटैटो एंड एक कैरेट देना मुझे लगता है उसको, ठीक है इससे हो जाता है सही। ठीक है देखते हैं भाई होता है सही। आज ना अपने को काफी सारे नए लोग रिक्रूट करने। ओके इसको देते हैं कैरेट एंड पोटैटो भाई, हो गया ठीक। हो गया भाई ये ठीक हो गया, ये फुल ठीक हो गया यार। बंदा सिक तो है बट इन्फ्लुएंसा नहीं आई थिंक इसको अभी। ये क्या हो गया इसको? अच्छा ये खा रहा है, खा ले भाई खा ले, कैरेट एंड पोटैटो खा ले भाई, सही से खा ले प्लीज, चबा चबा कर खाना भाई, बाद में बोलेगा पेट दर्द हो रहा है। ठीक है अभी बेड में जाएंगे सब लोग। सही बात है। अबे मुकेश कितना खाएगा बस कर, एक तो कैरेट दिया मैंने इसको, इसको खाने देते भाई। हम लोग अपने बेड में बैठते हैं, इन सभी को तो मैंने घर दे दिया लेकिन अपना घर बनवाना भूल गया। अब तो आज दो काम है, ठीक है एक तो है नए विलेजर्स को किंगडम वासियों को हार करना, एंड दूसरा है थोड़ा सा यार इसको ना सही करना मुझे। लाइक एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कैसे।
कैसे? लाइक ना अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्रॉस रोड्स वगैरह बनवाने। ये देखो ना, एक मिनट, रास्ता नहीं बन सकता क्या? क्रॉस रोड क्यों बन रहा है ये? देख लीजिए, ये बन सकता है क्या सही से? एक मिनट देखते हैं। मतलब यहाँ से वहां जाने वाले ना कुछ रास्ते बनवाने हैं मुझे, वो थोड़ा सा सही लगेगा। ये अच्छी चीज लग रही है यार बनाने में। ठीक है, बना ही देते ना। बिल्डर किसको असाइन करें हम लोग? पप्पू ने गंगूबाई को करते हैं। आई थिंक गंगूबाई स्टार्ट कर देगी इस पे काम। ठीक है, क्रॉस रोड्स है एंड आई थिंक कुछ और चीजें आती है अपने अंडर, लाइक मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो माइंड शाफ्ट वगैरह, आई डोंट थिंक माइंड शाफ्ट की अभी जरूरत है मुझे। यस, डेकोरेशन में जाना है मुझे और कुछ और चीजें मतलब लाइक ये करनी है, बनानी है। एक क्या फेंक दिया मैंने? वही स्टिक फेंक दी, ये वाली। ठीक है, देखो ये सारी चीजें भी मुझे बनवानी है डेकोरेशन के नाम पे। ये देखो टाउन सेंटर करके भी एक जगह आती है, ठीक है, इसको भी बनाना से। अबे क्या बड़ी चीज है ये टाउन सेंटर! वेट, आर यू किडिंग मी, इतनी बड़ी जगह है ये? ओ नो, कुछ ज्यादा ही बड़ी जगह है। सीरियसली इतनी बड़ी जगह, व्हाट द हेल? ये टाउन सेंटर ना हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी के लिए मुझे देखने दो कि गंगूबाई एंड ये जो अपना पप्पू है वो काम तो कर रहे हैं क्या। बिकॉज पप्पू को मैंने एक काम दिया है, यहाँ पे एक घर है इसको अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, पप्पू को देख लेते हैं पहले। कहाँ गया यार पप्पू? ये तो दूसरा ही बंदा नया वाला। पप्पू को देख लेते कि वो काम तो कर रहा है एटलीस्ट। यहाँ पे उसकी हर टेबल ये गायब हो जाता है यहाँ से। यार पता ना, आज बहुत अलग सीन लग रहा है मुझे, इनका मन ही नहीं काम का, ऐसा फील आ रहा है मुझे। ठीक है, एंड गंगूबाई का क्या सीन है? ये भी काम पे नहीं जा रही, ये क्या हो गया इनको आज? भाई दोनों भी काम पे नहीं जा रहे, मुझे कुछ नहीं समझ आया क्या हो गया इनको। ठीक है, यहाँ पे चलते, कोई नया बंदा है क्या? देखते। अच्छा भाई, तू कौन है भाई? चंद्रू स्टोन है, इसका नाम स्टोन है भाई। सीरियसली, इसको अकरा हनीकोम देंगे हम लोग, तब इसको हम लोग ये कर सकते, रिक्रूट कर सकते। ठीक है, और ये टॉम कौन है भाई? इसको 13 सनफ्लावर दिया तो उसमें भी खुश हो जाएगा ये। ओके, इसकी एथलेटिक स्किल इसकी बहुत अच्छी है, तो इसको मैं टॉम को भी हायर कर सकता हूँ। ठीक है, बस मुझे ना थोड़े से सनफ्लावर चाहिए, मुझे सनफ्लावर ढूंढने पड़ेंगे यार। सच्ची याद ना रहा कहाँ पे सनफ्लावर है, अपने पास पड़े हुए तो सनफ्लावर नहीं है। इसका मतलब गाइस डेफिनेटली सनफ्लावर ढूंढने मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज टॉम को मुझे हायर करना है। एंड और कोई बंदा है यहाँ पे? रानी वगैरह है यहाँ पे, डिएगो, इसको भी मुझे हायर करना है एक्चुअली। ठीक है, डिएगो क्या करेगा? अबे साले डायमंड मांग रहा भाई रिक्रूट के लिए। गंगूबाई तेरा क्या सीन है? काम क्यों नहीं कर रही है? स्टार्ट हो जाओ प्लीज। गंगूबाई एंड पप्पू को क्या हो गया गाइस? आज मुझे पता ही नहीं चलता, ये काम नहीं कर रहे दोनों भी लोग आज। सीरियसली इनको करना क्या है मुझे कुछ नहीं समझ रहा। हम लोग क्या करते हैं ना, सनफ्लावर ढूंढने के लिए चलते हैं। मोस्टली कौन सी साइड जाओ मैं सोचता हूँ यार। एक बार छुटके की ग्रेव दोस्तों, तो थोड़े से फूल भी लगा देते इस पे अभी। ये लो भाई, बिचारी चुटकी बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत अच्छी थी। एक चुटकी के लिए लाइक बनता है। बट ये पप्पू कहाँ रह गया और ये काम क्यों नहीं कर रहा है मुझे वो बताओ यार कोई। एक मिनट, देखे ना इसको काम करने का मन नहीं कर रहा, मैं इसको ना फायर कर रहा है जॉब से भाई, मैं लिटरली फायर करने वाला हूँ इसको। ठीक है, देखते क्या होता है, इसकी जगह कोई दूसरा आता है काम करने को, ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगा दूसरा बंदा। में भी नहीं होता की एलिस को हायर करते भाई, की हटा भाई पप्पू को हटा दे। एलिस तू कर भाई काम, एलिस आ जा काम शुरू कर। चल क्या ना एलपी ने काम शुरू कर दे। चल गंगू भाई तू कहाँ पे? तुझे भी हटाना पड़ेगा यहाँ पे काम से। गंगू कहाँ पे गई? गंगू भाई का forgot कि कहाँ पे उसका बिल्डर सेट, आई थिंक ये साइड में पीछे कहीं पे। यस, ये वाला देखो, आ रहा ये काम करने को तभी मैं मानूंगा, वरना देख तू। there are no guards, please don't mention it again, चुपचाप से काम कर। अच्छा गंगूबाई को भी कुछ हो गया मुझे लगता है, इसको ये भी बीमा है क्या? I guess अपने को एक हॉस्पिटल बिल्ड करना पड़ेगा मे बी पहले। मुझे लगता है गाइस एक हॉस्पिटल भी बिल्ड करने की जरूरत है। ठीक है, इसको हटा दे हम लोग और पप्पू को हायर करते यहाँ पे। ठीक है, गंगूबाई को हटा देते। आई होप कि अभी एलिस तो काम कर रही होगी। कोई काम क्यों नहीं कर रहा है आज? पप्पू ने काम स्टार्ट कर दिया। चलो चलो एक जन ने तो काम स्टार्ट कर दिया। पप्पू बोल रहा है कि आई हैव स्टार्टेड वर्क। ठीक है चलो, अच्छी बात है। एलिस का क्या सीन है? इस चीज पे कौन काम करेगा? ये नई चीज मैंने सेंटर में बनवाने को डाल दी, उसका क्या सीन है? कोई करेगा या नहीं काम? ये एलिस गायब हो गई यहाँ से, अब ये इधर क्यों जा रही है, कर क्या रही है एलिस? आई गेस मुझे कुछ अपनी माइनक्राफ्ट वाली चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ किंगडम बनाते बैठूंगा तो नहीं चलेगा। माइनक्राफ्ट वाली चीजें मतलब घोड़ा वगैरह ढूंढना पड़ेगा एक का, देन अपने को शायद से कोई पिरामिड वगैरह ढूंढना पड़ेगा, वहां से सैडल लाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ बात बनेगी। बिकॉज अगर मैं ऐसे बैठा था तो पता नहीं क्यों। अभी मुकेश को क्या हो गया? आई नीड अ सॉर्ड विथ मिनिमल लेवल वुड। ठीक है, वुड सॉर्ड चाहिए, वुडन की सॉर्ड बनवा देंगे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। एक मिनट, यहाँ पे बंटी काम कर रहा है क्या? बंटी को भी शायद कोई सी चीज की जरूरत थी, उसको दे देते हैं। इसको हो चाहिए। ठीक है ले भाई, काम पे लग जा, काम पे लग जा। चल बंटी। ओके, बंटी ने तो काफी सारी लकड़ी तोड़ी है। नाइस सुन बंटी, नाइस सुन। चलो बंटी की लकड़ी चुरा लेते हैं, मतलब
अपनी चीज है बे, अपनी चीज है, ठीक है। जब आंटी भाई का वो अपना समझ लो दोस्तों। ओके, अभी इस बंदे को चाहिए एक सॉर्ड, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बनाते एक स्टोन की सॉर्ड बनाते हैं, बिकॉज इसको ज्यादा कुछ खतरनाक सॉर्ड चलती नहीं है। इसको दे दी सॉर्ड, आराम से काम कर मुकेश भाई, आराम से काम कर। एलिस करेगी या नहीं काम? भाई इसको क्या हो गया, मुझे कुछ आइडिया ना रहा, ये काम ही नहीं कर रही है, पता ही नहीं क्या हो गया। मुझे लगता है ना दूसरा कोई वर्कर मुझे हायर करना पड़ेगा, ये लोग को कुछ हो गया भाई, सीरियसली बोलता हूँ, इनको कुछ हो गया। मुझे बाकी लोग जो नया आए ना उनकी तरफ देखना पड़ेगा, और कोई रेडी है क्या काम के लिए वो देखते हैं। पहले इस टैवर्न में देखते हैं, काफी बार यहाँ पे नए लोग आ जाते हैं। ये देखो दो लोग है, स्टोन वाला बंदा है, इसको तो हनीकॉम चाहिए, ये तो है नहीं अपने पास अभी। इसको क्या चाहिए, इसको भी हनीकॉम चाहिए यार, हनीकॉम काफी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है मुझे। शायद कहीं पे मैंने बी का एक छत्ता देखा था, मे बी हम लोग वहां से हनीकॉम का थोड़ा सा फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक गंगूबाई है, राइट? गंगूबाई दिख रहे, नहीं ये तो पप्पू है, क्या हो गया पप्पू? आई नीड वन एंड साइड। ओके ठीक है भाई, दे दूंगा दे दूंगा, थोड़ा सा वेट कर ले भाई, थोड़ा सा वेट कर ले, मुझे बाकी चीज थोड़ी सी सॉर्ट करने दे। तो अपने को चाहिए हनीकॉम, राइट, एंड चाहिए थोड़ा सा सनफ्लावर, तो दोनों भी चीजें मैं ढूंढता हूँ। ये क्या, ये डिएगो, राइट, इसको भी देख लेते हैं, ये कुछ सी काम का। अबे नुबड़ा, ये तो भाई सबसे महंगा बंदा है, 6 मांग रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है मुकेश यहाँ पे रेडी है, इसका घर है यहाँ पे। हम लोग एक्चुअली अभी ये साइड थोड़ा प्लेन्स फार्म में इसलिए आया ताकि मुझे ढूंढना है यहाँ पे कोई सनफ्लावर मिलता है क्या। 16 सनफ्लावर आई गेस चाहिए थे एक बंदे को रिक्रूट करने के लिए, तो यहाँ पे आए हम लोग सनफ्लावर ढूंढने के लिए। मुझे अब तक दिख तो नहीं रहा यहाँ पे सनफ्लावर। ये बाय द वे अबंडेंट कॉलोनी है, अबंडेंट किंगडम बोलते हैं ना, उस टाइप की चीज है ये। बट सनफ्लावर कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा अब तक, सीरियसली नहीं दिख रहा। ए भाई ये क्या, अच्छा पानी, ओ यहाँ पे तो एक वाटरफॉल टाइप की चीज बनी हुई यार, बताने कैसे। मैं सच्ची बोलता हूँ मुझे एक हॉर्स की जरूरत है, उसके बगैर ना थोड़ा सा मुश्किल जाने वाला मेरे लिए ये सब करना भी। इस कॉलोनी से भी मैं कुछ चीजें ढाप सकता हूँ बाद में चल के। हॉर्सेस काफी सारे, बट इशू ये हो गया इनके लिए सैडल नहीं मेरे पास। सैडल कहाँ से मिल सकता है यार, इस जगह से तो नहीं मिलता जो सामने ना मिले, वहां से आई डोंट थिंक सैडल मिलेगा मुझे, जितना मुझे याद है नहीं मिलता यार, नहीं मिलता। एक बार चेक कर ले क्या, नहीं यार नहीं होगा, सैडल नहीं होगा मुझे नहीं लगता। ठीक है तो सैडल के लिए वहां पे जाकर मतलब नहीं, हम लोग कहीं और चलते यार सैडल के लिए। भाई लग देखो वहां पे वो चीज है, और यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे ये बी का छत्ता मिल गया। आई गेस कुछ चीजें मुझे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग इसको हटा पाएंगे, राइट। तो पहले तो हम लोग ये करते ये चीज, देन यहाँ पे बनवा लेते कैंप फायर, बनवाते ऑब्वियसली बात है दोस्तों। ठीक है वेट, इसके लिए थोड़ा वुड वुड चाहिए यार, वुड। अरे यार वुड नहीं है ना मेरे पास, अबे यार क्या बंदा हूँ, इसको तोड़ दिया अगर मैंने तब तो वुड मिलेगा ना भाई। माइनक्राफ्ट लॉजिक है ये, माइनक्राफ्ट लॉजिक है। ओके अभी बना सकते आई थिंक कैंप फायर हम लोग। वेट क्या हो गया, कैंप फायर के लिए किस चीज की कमी, अच्छा बन रहा है ना, राइट। सो कैंप फायर के लिए इसके नीचे हम लोग कैंप फायर रख देंगे, राइट, ये ले भाई। अच्छा यार मुझे सिल्ट चाहिए होगा ना अगर मुझे इसको तोड़ना है तो। सो इसको अभी हम लोग नहीं तोड़ते जब इसके अंदर ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, हनी आ जाएगा, तो हम लोग इस पे शियर्स मार के, आई थिंक शियर्स मार के यहाँ से वो चीज निकाल सकते हैं, वो चीज इन द सेंस की जो हनी कॉम्ब है वो निकाल सकते हैं, उससे हम लोग और भी बनवा सकते हैं। ठीक है ये मुझे याद है यहाँ पे रखा है, चलो इतनी तो अच्छी बात है। व्हाट भाई यहाँ पे एक सामने है वो अपना क्या बोलते हैं पिलेजर आउटपोस्ट, और यहाँ पे भी सामने दिख रहा है मुझे। आई गेस मुझे दोनों जगह ना जाके देखना चाहिए। चलो ये साइड तो जाके आया था मैं, थोड़ा सामने वाली जगह पे जाके आते फटक से। तब तक आई होप कि ये पप्पू गंगूबाई इनका सब थोड़ा दिमाग ठिकाने पे आ जाए, कुछ काम ही नहीं कर रहा यार बंदे, सच्ची बोलते। चलो आगे बैठते यहाँ पे, भाई क्या जगह है यार, क्या मस्त लग रहा है ये। और ये साइड भी कॉलोनी बन सकती थी, व्हाट, ये मच बेटर जगह यार नई कॉलोनी के लिए बनाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे पानी भी ढेर सारा है, काफी प्लेन जगह है, ये बहुत अच्छी जगह थी। बस दो दो पिलेजर आउटपोस्ट काफी ज्यादा क्लोज हो जाते ना, वो एक दिक्कत आ जाती है और कुछ नहीं। ओह सामने एक रूट पोर्टल दोस्तों, चलो मजा आ गया मुझे तो, मजा आ गया, मजे मजे अपने मजे मजे भाई। ये साइड कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं भाई यार, जूम वाला ये नहीं डाला मैंने, फीचर नहीं डाला अब तक, डालते बाद में डालते, बिकॉज ये ऑप्टिफाइन पे नहीं चलता यार, बहुत मुश्किल से मैंने चलाया इस पे। ये साइड कुछ है क्या, नहीं यार उधर भी कुछ है। सवाना बायम आ गया सामने, और एक राइट साइड पे अपना वो स्वैम्प बायम आ गया है। बहुत दिन हो गया स्वैम्प को देख के, लाइक कभी जरूरत नहीं पड़ती थी स्वैम्प में जाने की, बट अभी यहाँ पे देखते कुछ है क्या। सो कुछ कुछ चीजें मुझे दिख रही है, मे बी माइट बी यूजफुल, पता नहीं यार यूजफुल होगी या नहीं, बट ओनली तो चाहिए। ओके इसको हम लोग ना आजाद कर देते हैं, चल गोलम निकल अपने लिए लड़ेगा तू, अभी गोलम आजा लड़ ले। ओके नहीं लड़ रही, इससे लड़ेगा कोई है नहीं लड़ने के लिए, चलो ये भी तोड़ते ना, एक काम आएगा बाद में। यहाँ पे कुछ कद्दू है, कद्दू तो मेरे पास वहां पे पड़े घर पे, इसको तोड़ते इसको तोड़ते। वो ये थोड़ा सा गुस्सा हो गया बंदे साइड से, चलो कोई सीन
ना, हम लोग दूसरा साइड चलते फटाक से देख लेते यहाँ पे कुछ है क्या। यहाँ पे भी सेम ही चीज है लगभग। ए ए शांत 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 भाई शांत भाई शांत शांत शांत। हम लोग ऊपर चलते एक्चुअली यहाँ से एंड चेकआउट कर लेते गाइस कि ऊपर कुछ है क्या एक्चुअली। ठीक है ऊपर थोड़ा बहुत खाना पानी रहता है यहाँ पे तो देख के चलते यार। ओ ये क्या है भाई? अच्छा इसको यूज कैसे करते? ये कुछ तो है भाई। ओ मुझे समझ गया ये एक स्क्रोल ऑफ रीजनरेशन है। तो ये क्या करता है? अच्छा रीजनरेशन देता है अराउंड मेरे जो भी सिटीजन है उन सभी को। चलिए अच्छी बात यार ये। ठीक है ये क्या भाई? डार्क लोग ओक डार्क लोग बोलता हूँ इसको। कोई सीन नहीं भाई चलो भाई आता है भाई आता है। ओ ये क्या गोलम को मारते हैं इन लोगों ने? व्हाट नो यार गोलम क्या औषध लेके भागते हैं? कौन से साइड से आता बाद में मुझे याद नहीं रहेगा कि कहाँ पे अपनी कॉलोनी बनी पड़ी है। ओ नो सच मुझे याद नहीं रहा दोस्तों। यानी पीछे वाले साइड से आऊ मैं। सो आगे बढ़ते थोड़ा सा ये साइड पे भाई थोड़ा सा और आगे चलते थोड़ा सा नहीं एक्चुअली काफी ज्यादा मुझे आगे ही चलना है। खाने का बस बंदोबस्त करना मेरे से रह गया है। मे बी बीच में अपने को मुर्गिया वगैरह इनको इनका ही मतलब सहारा लेना पड़ेगा। ये बस कर रहे पीछे पीछे आ रहे कब से देख रहा हूँ। क्या बदतमीज लोग हैं मैं क्या ही बताऊ तुम लोग को यार। ये अट्टा भी चल ये दे मुझे और मैं चला यहाँ से निकल गया भाई। ओ नो यार ये तोड़ने तो दे कचरा किया तो थोड़ा साफ करने दे भाई। निकलते हम लोग थोड़ा सा आगे निकलते यहाँ से वापस कॉलोनी की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम जाने वाला है अभी हम लोग। ओ यहाँ पे एक टर्टल यार मस्त चीज है यार। टर्टल का हेलमेट टर्टल के अंडे वगैरह बना सकते हम लोग मस्त मजा आएगा। सवाना वैम में तो ज्यादा कुछ मिलने वाला मुझे एक्चुअली चाहिए एक डेजर्ट बायोम जहाँ पे मुझे सैडल वगैरह मिल सकता है। सामने क्या है सामने? सच्ची सामने क्या है? लेफ्ट पे तो एक विलेज दिखा मुझे काफी दूर लेकिन सामने कुछ अलग दिख रहा है। लाइक विलेज ऐसा नहीं दिखता यार। क्या विलेज है ये या मैं भूल गया कैसा दिखता है विलेज? ये विलेज जैसा नहीं दिख रहा है ये तो कुछ अलग ही है। लाइक सीरियसली क्या चीज है ये? कोई मुझे बताएगा कहाँ पे आऊँ मैं? फूटी फूटी जगह दिख रही है ये फुल्ली है। ये क्या जगह है दोस्तों? ये फर्स्ट टाइम दिख रहा है इसी जगह राइट? आई थिंक आप ओ ये भी एक अबंडेंट कॉलोनी है। आई गॉट इट नाउ ये भी एक अबंडेंट कॉलोनी भाई। काफी सारे किंगडम है अपने आजू बाजू में मतलब की क्या भाई सही जगह है। ये बात कैसे बनाया मुझे वो देखना था क्योंकि ना मुझे बिल्डर से बनवा के लेना था पाथ। अपने को मेहनत नहीं करनी भाई मेहनत नहीं जमता भाई अपने को नहीं जमता। थोड़ा आलसी मानूस अपन। चल भाई कैसा है सब सही? लगता है सब कुछ सही है। इनके पास कुछ है? चलो इनका खाना उठा लेते फटाक से क्योंकि मुझे आज भाई डेफिनेटली सैलेड वगैरह चाहिए। मैं ना इसके बाद फटाक सीधा डेजर्ट तक पहुंचता हूँ और सनफ्लावर वाले जगह तक। तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा भाई चलने दो भाई आगे। एक और विलेज मिल चुका है मुझे यहाँ पे एंड ये वाले पे ये है भाई वेपन स्मिथ है शायद से। ओ ये तो आर्मर स्मिथ है। चलो अच्छी बात है। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे रखनी पड़ेगी मे भी मुझे अभी क्या रुको आई थिंक प्लैंक्स बहुत सारी होती है मेरे पास। सो ये अबे इसमें ये भी है। ये बंदा सैडल भी देता है। व्हाट भाई मेरा तो लक लग गया है मस्त वाला। आई डोंट थिंक एप्पल की कुछ मुझे जरूरत है। एप्पल मुझे मिल भी जाएगा बाद में। सो मे बी वेट हम लोग क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि अपनी सारी चीज एक्चुअली सही है। तो मे बी बस एक सॉर्ड ले ली है तो इसका इस्तेमाल करूंगा मैं। और यस भाई फाइनली मुझे एक हॉर्स के लिए हॉर्स राइडिंग के लिए सैडल मिल चुका। तो अपने शायद कॉलोनी के साइड निकल लेता हूँ या फिर डेजर्ट में निकल लेता हूँ मैं। कोई हॉर्स लेकर ना डेजर्ट ढूंढने में निकल लेता हूँ। ये ज्यादा थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है मुझे। कोई भी हॉर्स उठा लेते हैं ऐसा कुछ नहीं कि भाई तेज चाहिए क्योंकि ना मुझे भाग भाग के कंटाल आ गया अभी। फटाक से चलो भाई हॉर्स मिल जाए बस एक। अबे इतना बड़ा प्लेन्स बाहर में एक हॉर्स से दिख रहा है। थोड़े टाइम पहले 10-10 थे एक जगह पे क्या करे यार इनका। तो यहाँ पे सामने वापस मुझे बीज दिखे। आई थिंक मुझे थोड़ा सा फायदा उठाना चाहिए इनका बिकॉज हनीकॉम्ब की मुझे जरूरत है। तो देख लेते भाई ये बीज जाती कहाँ पे। तो यहाँ पे हॉर्स भी दिख गया चलो अच्छी बात है। तो हनीकॉम्ब मिलता है देखते एक बार। बीज जाएगी कहाँ? बीज चाहती कहाँ पे यार? नीचे क्या? अच्छा इधर ही छत्ता। हाँ इसमें से हनीकॉम्ब नहीं निकलेगा यार। सिल्टेड चेहरा तो सीधा इसको छत्ते को उठा लेता मैं पूरा का पूरा। चलो छोड़ो यहाँ पे एक ही हॉल्स दिखा था मुझे आई गेस। बस सच्ची में गाइस एक ही हॉल्स से यहाँ पे गिन के। व्हाट भाई प्लीज आ जा यार तू भाग का क्या? ओए हेलो हॉल्स ये देखो यहाँ पे हॉल्स। भाग मत पे भाई भाग मत। कुछ चीज अपने को फेंकनी पड़ेगी आई गेस। क्या फेंकू क्या फेंकू मुझे समझ नहीं आ रहा। वेट ये करते ऐसे करते ये फेंक देते हैं एंड चल आ जाओ भाई चल चल आ जाओ बैठ जा भाई बैठ जा भाई। टेंशन मत ले साथ में जाएंगे सब जगह साथ में जाएंगे। टेंशन मत ले भाई। मैं गुस्सा क्या को होता है आ जाना इसको दिखाओ यार इसको आना ही नहीं बंदे को। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ चल चलना भाई चलते ना भाई।
फर्स्ट हाउस अपना ये किंगडम में। चलो अभी हम लोग है ना डेजर्ट की तरफ निकल लेते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं भाई कौन से साइड मिल सकता है डेजर्ट। आ जाओ भाई। एक्चुअली मैं डेजर्ट की तरफ क्यों जाऊंगा यार, मैंने जस्ट अभी रियलाइज किया है हम लोग तो एक्चुअली मैं हॉर्स ढूंढने के लिए हॉर्स का सैडल ढूंढने के लिए डेजर्ट में जा रहे थे राइट, तो अभी तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। अबे यार तू मुझे मेरा सैडल वापस दे, ये बहुत स्लो घोड़ा है भाई, मुझे नहीं चाहिए घोड़ा। हट हट गद्दारी कर बे, पानी में रह तू, अब उधर अभी तू पानी वाला घोड़ा बन गया। चल हम लोग क्या करते हैं अपने घर के साइड चलते और जाते जाते अगर सनफ्लावर दिखे कहीं पे आसपास तब देख लेते उसको। कैसे हो मेरे ढोलकपुर वासियो, कुछ काम किया या नहीं? रुको इन्होंने काम किया या नहीं मैंने चेक नहीं किया भाई, एक मिनट। इनके स्क्रोल से तो ओके, पप्पू को तो थोड़ी चीजें देनी है मुझे, उसके बाद वो स्टार्ट करेगा काम। एलिस का क्या सीन है यार, ये बीच में मैंने जो चीज बनाने को दे दी है वो एलिस ने स्टार्ट ही नहीं किया अब तक बनाने को। मुझे लगता है अपने को नए बंदे रिक्रूट करने पड़ेंगे। ये क्या भाई पप्पू, इफ यू से सो, इसको एंटीसाइड चाहिए। आई एम सॉरी एंटीसाइड लेके आता भाई। वेट ये कौन है, ये कुछ नया बंदा है प्लीज करके। आप तुम लोग को सबको हनीकॉम क्यों चाहिए यार, मेरे पास हनीकॉम भी नहीं है। अभी स्टोन को भी हनीकॉम चाहिए, इसको भी हनीकॉम चाहिए भाई। ऐसा लग रहा है दोनों ऐसा लात दे दूं इनको तब सुधरेंगे ये लोग। मुकेश भाई तुझे क्या हो गया, अब यार अच्छा बनना पड़ा है ना आज, क्या हो गया तुझे? ओके भाई इसको वापस वापस बीमारी हो रही है इन्फ्लुएंजा की, इसको क्या ही करे भाई। तो कैरेट देते पटाटा भी लेके आता, रुक जा तू। पंकी तुझे भी बीमारी नहीं हुई ना, मुझे बता भाई। इसको भी बीमारी हो गई। अबे यार सबको इन्फ्लुएंजा आ जाएगा ऐसे तो। वेट मैं एक्चुअली इसको कैरेट नहीं दे सकता अभी के लिए, तो अपने को थोड़ा सा कैरेट प्लांट करना पड़ेगा गाइस, कैरेट एंड पोटैटोस, वरना यार ये बीमार पड़ते रहेंगे और अपना सारा का सारा पोटैटो कैरेट्स दोनों भी खत्म हो जाएगा। तो कैरेट सारे के सारे उठा लेता हूँ, पोटैटो भी सारे के सारे उठा लेता हूँ मैं जितने हो सकते उतने। अभी के लिए अपना ना एक बेसिक वाला फार्म रहता है ना वो बना देता हूँ, यहाँ यही कहीं पे बना देता हूँ, ये सही जगह लगती है मुझे। ठीक है तो यहाँ से मे बी अरे यहाँ पे सही जगह है। ठीक है चलो यहाँ पे एक फार्म बनाने के लिए पानी डालते हैं। वो चाहिए यार मुझे, व्हाट भाई मेरे पास तो ये चीज है और मैं दूसरों को बना के दे रहा था अब तक। वाओ ये लो भाई, पानी भी एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा मुझे अब थोड़े टाइम बाद। ठीक है एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच का आई थिंक बन जाता है ना, पाँच ना एक चार चार का बनता है, एक दो तीन चार, यस मुझे याद आ गया चार का ही बनता है, ये नाइन बाय नाइन का ही बन सकता है मैक्सिमम। यस बोला था ना मैंने, देखो एक ये हो गया भाई गायब हो गया। अबे यार क्या बेटा इसको, इसको, इसको। ओ, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा वीट भी चाहिए, बाद में काम आ जाएगा यार। क्या फेंकू यार, बहुत सारी चीजें आ गई मेरे इन्वेंटरी में, बहुत सारी चीजें आ गई। तो मैं क्या करता हूँ एक पोटैटो का छोटा सा फार्म बनवा देता हूँ, ऐसी सब चीजों को बनवा देता हूँ भाई। एक्चुअली बोल तो पोटैटो का एंड कैरेट का मुझे बनवाना पड़ेगा गाइस फार्म, बिकॉज दिक्कत ऐसे आ गई है बहुत लोग को इन्फ्लुएंजा होने वाला मुझे लगता है भाई। अपने को यार इनका ख्याल रखना पड़ेगा या फिर मुझे एक हॉस्पिटल बनवाना पड़ेगा जल्द से जल्द, दो ही ऑप्शन है। एक के लिए क्या इधर ये करना, ये चलो अभी इधर लगा देता हूँ मैं। अभी के लिए तो क्या करता हूँ जितनी चीजें है ना वो सारी लगा देता हूँ, लाइक 15 ही पोटैटो है तो एक्स्ट्रा मुझे बनवाने की नहीं जरूरत। अबे मुझे नहीं खाना है बे, वेट अबे खुद खाने लग गया था मैं। लगा लेते सारे पोटैटो जितने भी है खत्म। ठीक है एंड सेम वे में हम लोग कैरेट भी लगा लेते राइट, कैरेट भी लगाना स्टार्ट करते एंड बचाओ वीट लगाते, तो क्या होगा ना थोड़े टाइम बाद वो उगेगा तब अपने पास काफी सारा वीट वगैरह होगा। एक्चुअली वीट काफी ज्यादा है मेरे पास, मैंने अभी देख वीट मुझे पता नहीं था यार इतना है मेरे पास। ठीक है चलो अच्छी बात है, फार्मिंग स्टार्ट कर दिए दोस्तों मैंने। अभी नो चोरी, मैं शरीफ बन गया हूँ, खुद की फार्मिंग करूंगा, खुद की खेती करूंगा, विलेजर्स से नहीं डापूंगा, ऐसा मैं सिर्फ बोलता हूँ करता नहीं। ठीक है चलो अभी यहाँ पे जितना भी उगेगा उसके बाद देख लेंगे क्या करना है, बिकॉज यार इनको इन्फ्लुएंजा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, क्या करे इनका। शायद मुझे लगता है इनको खाने की कमी पड़ रही है एलिस वगैरह। यस कैन आई हेल्प यू, खाना खा ले बे तू प्लीज, खाना खा ले लेके काम कर दे यार, क्या करूं इसको भी फायर करना पड़ेगा। गंगू भाई को यहाँ पे हायर कर लेता हूँ, आ जा गंगू आ जा काम कर ले प्लीज, तुझे खाने की जरूरत है, नहीं लग रहा है इसको खाने की जरूरत है यार। वहाँ पे कोई तो एक बंदा है पानी में दिख रहा है मुझे, बैठ देखते उसका क्या सीन है, वो कौन बंदा है या बंदी है। अबे तू कहाँ घूम रहा है, हनीकॉम चाहिए मेरे पास नहीं है उतना हनीकॉम अभी के लिए, थोड़े टाइम बाद आ जाएगा, टेंशन मत ले। एक काम तो कर रहे ना लोग, ऐसा लग रहा है कि आज ना काम नहीं होता कुछ भी अपने इधर, लाइक ये रानी भी काम नहीं करते ऐसा फील आ रहा है मुझे, कब से ऐसे बैठी इधर। ओ इसमें इसमें काफी सारी चीजें यार माइंड किए, कोल वगैरह क्या होगा कर देना भाई माइंड प्लीज। ओके फाइनली पप्पू लग गया काम पे, बंदा बना रहा है, अभी बना नहीं रहा एक्चुअली, ये जो घर एग्जिस्टिंग इसको ये अपग्रेड करने में लग गया भाई। सही काम कर रहा है भाई, करते जा प्लीज करते जा, तो काम करते जा। बस यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, मुझे समझ जाना कि ये लोग इस चीज पे काम क्यों नहीं कर रहे, ये जो चीज मैंने अभी यहाँ पे बनाने को डाल दी है। आई थिंक इनका मन वन नहीं है क्या, क्या है भाई कुछ समझ जा रहा है मुझे, कुछ डेकोरेशन की चीजें बनाने में दिक्कत देगा। रुको मैं चेक करता हूँ एक बार। ठीक है भाई तुम
लोग को एक वेल बनानी है, ठीक है। देखते कि वेल बनाते हैं। बिल्डर अभी के लगाता हूँ, गंगूबाई को लगाता हूँ। देखते गंगूबाई स्टार्ट करती है। आजा, डेकोरेशन रिक्वेस्ट क्रिएटेड फॉर कॉलोनी, ठीक है। आ जाना, बना देना, ओए प्लीज बना दे गंगू। ए अभी आ गई है बनाने, तो ये पहले वाले का क्या सीन हो गया, ये चीज क्यों ने बना दी, ये बनाने का मन नहीं। चलो तो ये हटाई देते हैं। इनका ऐसे रहता है दोस्तों, जो मन में आए वही करते, अपना कोई नहीं सुनता। भैया भाई तू वहाँ पे कैसे पहुंचा भाई? अच्छा वहाँ से, ठीक है। देखो जितने भी खेती मेरे पास रेडी है सारे के सारे तोड़ देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग नई खेती स्टार्ट कर पाए, राइट। सो इम्पोर्टेंट चीज है मेरे लिए पोटैटो एंड कैरेट फॉर नाउ, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो काफी ज्यादा आ गई है मेरे पास। तो पहले कैरेट लगा देता हूँ, जितने हो सकते हैं उतने सारे कैरेट लगा देता हूँ मैं, या फिर 10 रख लूंगा मेरे पास, बाकी सारे लगा देंगे आज, ठीक है। 10-12 रख लेता हूँ एक्चुअली, एंड बाकी जगह पोटैटो लगा देता हूँ आज मस्त साइड में। ओके अभी जिनको जिनको इन्फ्लुएंस है बताओ भाई तुम लोग प्लीज। एक पंटी है उसको भी हो गया, मुकेश के बाजू में है ना ये, इसलिए हो गया। ये देखो मुकेश है यहाँ पे, राइट। तो मुकेश को भी 2 पोटैटो दे देता हूँ भाई, खा ले प्लीज, इन्फ्लुएंसा भगा ले। पटाटा खा के कैरेट खा के अपना मतलब सर्दी का इन्फ्लुएंसा चला जाता है, अच्छी बात है। भाई तेरे पास तो एप्पल पड़ा हुआ है, तू भाई एप्पल खा के रोज डॉक्टर को भगा सकता है, ये क्या बनना यार। एक हॉस्पिटल बिल्ड करना है मुझे, ठीक है। तो गंगू भाई को यहाँ पे ये काम करने लगाते हैं, देन मैं देखता हूँ कि हॉस्पिटल कहाँ पे बिल्ड करना है। अच्छा हॉस्पिटल बिल्ड करने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, वे यार ये बहुत ज्यादा एपिक हो गया। गंगू भाई को अभी कुछ चीजें चाहिए शायद बनाने के लिए, देखते हैं हम लोग। उसको एक्चुअली पिकैक्स चाहिए, मेरे पास पड़ी होगी मैं भी कोई, तो मेरे पास खुद के पास पिकैक्स चाहिए। वाओ यार क्या राजा हूँ मैं, सच्ची बोलता हूँ, ऐसा राजा किसी को ना मिले भाई। ये ले कल सही से काम कर। कोई नहीं बंदी आई यहाँ पे, रुको इसको क्या चाहिए, 7 डायमंड चाहिए इसके। यार एक और बंदा है, देखते इसको क्या चाहिए भाई प्लीज कुछ अच्छा। लैपिस, अच्छा एक मिनट, आई थिंक मेरे पास लैपिस है पड़ा हुआ, पता नहीं कैसे बट है, मतलब वो शिप से मिला था मुझे, लैपिस है मेरे पास। डस्टिन को एक्चुअली मैं हायर कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं था, ठीक है। लोग 20 लैपिस इसको दे देते हैं, एंड बंदा हायर तो हो चुका है, आई हैव नो आइडिया अभी ये क्या काम करेगा। डस्टिन भाई तेरा नाम बदलने वाला भाई, तो ढोलकपुर में ऐसे होता भाई, तू काम पे लग जा अभी थोड़ा सा। मुकेश का कदा यहाँ पे तलवार लेके घूम रहा बंदा, और पप्पू का काम होने आया भाई, ये घर अभी तक अपग्रेड हो जाएगा। सामने कौन है, नया बंदे का कोई, ये ब्लेज है यार, इसको भी भाई वो चाहिए यार, मेरे पास है ना, मैं कहाँ से दूंगा इसको। ये बंदे को देखो 7 डायमंड चाहिए, बट ये ना इसको हाउस बनाने का बहुत शौक है, इसको एक्चुअली हाउस बनाने का शौक है यार। मुझे लगता है ये सही बंदी यार काम के लिए, 7 डायमंड पे काम करेगी। डायमंड्स मेरे पास आई डोंट थिंक एक भी पड़े, आई गेस नेक्स्ट एपिसोड में अपने को गाइस डायमंड से ढूंढना पड़ेगा। भाई देखो इसको क्या हो गया, ये नीचे कैसे अटक गई। भाई गंगू भाई क्या हो गया तुझे, ये कुआ खोद रही थी, क्या हो गया इसको? एक्चुअली मुझे पता चला है इसको 5 ग्रास चाहिए, ग्रास मतलब कि बोले तो ये ऐसी वाली ग्रास। ये देखो अबे कैसे तोड़ते भाई इसको, अच्छा ये देखो ऐसे 1, 2, 3, 4 5 हो गया, 5 ग्रास चाहिए थी बंदी को, चलो 10 हो गए मेरे पास, अच्छी बात है। इसको 10 ग्रास चाहिए यार, नीचे कैसे जाके दे दूं। चलो इसको मैंने ग्रास दे दिए, अभी वापस चलते ऊपर के साइड। काम करेगा अब तू, ओए गंगू काम कर दे प्लीज। एक और बंदा आ गया, एक और बंदी आ गई, एक मिनट इसका भी नाम। सबको हनीकॉम बहुत चाहिए यार, मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई, हनीकॉम का ही जुगाड़ करना पड़ेगा, ये सब बाद में देखते हैं। सामने ही एक छत्ता है, सबसे पास वाला वही छत्ता है, वापस चलता हूं मैं सीधा। अभी चलते चलते एक नया घोड़ा उठा लेते यार सीरियसली, यो ये मस्त घोड़ा, चल भाई अबे चलते ना भाई साथ में निकलेंगे। हेलो भैया अबे मजा आएगा ना भाई, तू टेंशन काय लेता है, तेज भागने का बस। देखो इसका हेल्थ भी अच्छा है यार, अच्छा खासा हेल्थ वाला बंदा ये हो जाएगा। चल आ जा, आ जाना बेटे। अबे यार इसको देखो यार, आने का नाम ही नहीं ले रहा है बंदा। एक बार आ जा भाई, एक बार आ जा बस तू, मुझे हनी कॉम मिल जाए यार, सबको रिक्रूट करूंगा मैं यार। हनी कॉम की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मुझे अभी तो। ये कैसा है इसका स्पीड, अबे सबका स्पीड स्लो ही क्यों लग रहा है मुझे। हनी कॉम कहा था यार, इस से ये साइड पे था, यहाँ पे काफी आगे तक था, ठीक है वो साइड पे चलते हैं अभी। अबे यार बीच बीच में पानी क्यों आ रहा है यार, घोड़े पानी में तैर नहीं सकते, ये वाले कमजोर से घोड़े यार थोड़े से, आई एम सॉरी। और ये जो पुरानी कॉलोनीज रहते ना, इनमें से कुछ ब्लॉक्स हम लोग उठा सकते, चोरी कर सकते हैं ऑनेस्टली। यहाँ पे सामने एक छत्ता था, आई होप कि वहां पे हनी को मिल जाए अभी प्लीज। बन गया होगा हनी मधुमक्खियों पे, ये क्या कमजोर सी मधुमक्खियां है हनी ने बना रही। चलो भाई ये मधुमक्खियों से नहीं होने वाला अपने को शायद। ओ इधर देखो देख ये कैसा ये भरा हुआ है क्या, प्लीज बता मुझे। ये भी खाली यार, बट है 2-2 हनी कॉम्स है आसपास, तो आई थिंक थोड़े टाइम में भर जाएंगे ये। यहाँ पे ना थोड़े ये कमी यार, फ्लावर्स कमी इसलिए नहीं भर रही है, वही मुझे दिक्कत लग रही है यार। भाई क्या जगह बनी है, देखो ना यहाँ पे ऐसे अंडर वाटर क्या, अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल लग रहा है मुझे। अंडर वाटर बोलता हूँ स्विमिंग पूल, अंडर वाटर स्विमिंग पूल क्या होता है यार, हो भी सकता है ना एक्चुअली। सोचो दोस्तों थोड़ा सा अंडर वाटर हो सकता है क्या। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा, आई फिनिश्ड अ बिग वेल। अच्छा गंगू भाई ने बिग वेल बना दी, वेट चलो देखते भाई एक नई
ही ऐसी एक वेल बना दी, कुआं बना दिया गंगूबाई ने, देखते उसको चल के। और भाई पप्पू ने भी घर अपग्रेड कर दिया लगभग, बहुत तेजी से काम कर रहे ये लोग अभी। ठीक है पप्पू कर रहा है भाई घर अपग्रेड कर रहा है, लेकिन ये कुछ कहना चाहता है इसकी मन की बात सुनते। अरे ठीक है भाई इसको वापस से बैराक्स चाहिए भाई, उस चक्कर में चुटकी जान गवा बैठी इनको बैराक्स चाहिए। यार ये देखो गंगूबाई यहाँ पे अटक गए वेल बना के। वाओ यार कूल वेल एकदम, देखो ना मस्त लग रही है। एक मिनट इसको रिकॉल करते हैं भाई, ये देखो ना अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक मस्त रास्ता बना दिया, वाओ ये एकदम कूल बन गई यार चीज। तो ऐसे कर सकते ना हम लोग, लाइक ऐसे वाले रास्ते बनवा सकते यहाँ से वहां जाने के लिए, मस्त रहेगा ना, सही रहेगा ये चीज। ये देखो भाई यहाँ से वहाँ आते जाते रास्ते भाई मस्त है। ये देखो इसको बोलते ना असली रास्ते भाई, ये देखो कनेक्ट करेंगे ऐसे सारे के सारे, हम लोग सारे ने मतलब काफी सारी जगह इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे, मजा आएगा। ये देखो ना अभी ये टावर सामने राइट कनेक्ट कर देंगे भाई, ये वाला तोड़ते बीच का भाई, ये टूटने वाला है। टूट गया यार भाई, रास्ते बनाने में मजा आ रहा मुझे तो। ये देखो ना यहाँ पे क्या मस्त रास्ता बन रहा था, ये देखो सही है भाई सही है। अब भी लग रहा है गाइस एक नया किंगडम, उभरता हुआ किंगडम तैयार हो चुका है अपना ढोलकपुर, वो भी भाई ढोलकपुर में आप सभी का स्वागत है। और भी ये बड़ा होने वाला किंगडम, नेक्स्ट एपिसोड तक हम लोग डायमंड ढूंढेंगे प्लस हनी कोम से नए बंदे रिक्रूट कर देंगे एंड थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम कर देता भाई। और अपने को इस ढोलकपुर किंगडम को और भी आगे बढ़ाना चुटकी के खातिर दोस्तों। यहाँ पे देखो यहाँ पे चुटकी थी, मतलब होगी भाई मतलब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मर गई थी बेचारी चुटकी, उसके लिए करना पड़ेगा भाई चुटकी के लिए यहाँ पे एक मस्ती समाधि बना दी जाएगी इसी के बाजू में। प्लीज दोस्तों आप चुटकी के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।